रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सम्राट इंटर कॉलेज में आज दर्जनों छात्रों ने पेपर छूटने को लेकर जमकर हंगामा काटा। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची डायल एंड्रेड की गाड़ी के सिपाहियों ने हंगामा कर रहे छात्रों को लाठियां फटकाकर भगाया। दरअसल मुजफ्फरनगर के सम्राट इंटर कॉलेज में आज आईटीआई के छात्रों के इलेक्ट्रिशियन का पेपर था, लेकिन दर्जनों छात्रों का यह पेपर छूट गया। छात्र मुन्नालाल की माने तो वह मुजफ्फरनगर के ही बिराल सिंह गांव के हैं और आज आईटीआई के लिए इलेक्ट्रिशियन का उनका पेपर था, जिसका सेंटर मुजफ्फरनगर के सम्राट इंटर कॉलेज में लगा था। मुन्ना की माने तो 10 बजे से उनका पेपर था और वह 10:15 पर कॉलेज के बाहर थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उन्हें पेपर देने के लिए कॉलेज के अंदर प्रवेश नहीं दिया, जिसके कारण उनका पेपर छूट गया। मुन्ना के मुताबिक लगभग 20 से 25 छात्रों का यह पेपर छूटा है। वहीं सम्राट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल अशरफ का कहना है कि पेपर का 10 बजे का टाइम है और 9:30 छात्रों का कॉलेज में प्रवेश शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ छात्र 10 बजे के बाद भी गेट के बाहर खड़े हुए थे। ये बच्चे नकल के चक्कर में रहते हैं और रोज हंगामा करते हैं। आज भी 5 से 10 छात्रों का पेपर छूटा है जिन्होंने हंगामे भी किया। वहीं हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची डायल एंड्रेड की गाड़ी के सिपाहियों ने हंगामा कर रहे छात्रों पर लाठियां फटकाकर कॉलेज से दौड़ाकर मामले को शांत कराया। खैर जो भी हो, गलती किसी की भी हो, लेकिन आज का पेपर छूटने से इन बच्चों का ये साल बर्बाद जरूर हो गया है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वत्स की रिपोर्ट। मैं आईटीआई कर रहा हूँ, राम आईटीआई से। हम यहाँ 15 लेट हो गए। हम यहाँ रोल नंबर देखने गए अपना और फिर हम अंदर गए, उन्होंने एंट्री हमारी बंद कर दी। उनका हमें एंट्री नहीं करेंगे। पेपर इसलिए नहीं दिया जी, हमें अंदर नहीं बढ़ने दिया जी। गेट से हम सीट देखने के लिए आए थे जी। हमारे से पहले भी बच्चे प्रवेश करा उन्होंने। किस टाइम पेपर था आपका? मेरा 10 पेपर था जी। 10:15 हम यहाँ मौजूद थे। ऐसे होंगे जी 20-25 के आसपास। आपकी आपके कॉलेज से कोई बात हुई थी? कॉलेज से बात हुई थी। कॉलेज वाले हमारे टीचर भी, उन्होंने बात करी, उन्हें भी मतलब खदेड़ दिया। हमारे आईटीआई का सेंटर लगा हुआ है जो दिल्ली से एनसीबीटी से अप्रूव होता है। इसमें क्या है कि टाइम होता है 10 का बच्चों को अंदर लेने का। हम अपने यहाँ 9:15 एंट्री स्टार्ट करते हैं बच्चों की, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कहीं से नकल मिल जाए, इसलिए 10:30 तक गेट पर वेट करते रहते हैं। हमने आज उनको बार बार चेतावनी दी कि अंदर आजिए। लिख के बोर्ड भी लगाए गए हैं कि 10 के बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी, लेकिन कुछ बच्चे का कहना है कि हमारे पास नकल आ रही है। कुछ बच्चों का कहना है कि हम तो धूप सेक रहे हैं। उसके बाद 11 गेट बंद कर दिया गया। ये भी रूल नहीं है कि 11 के बाद किसी को एंट्री ले, 10 तक का रूल होता है। उसके बाद बच्चों को जब एग्जाम छूट गया, उसमें क्या हुआ कि बच्चों ने फिर हंगामा करना स्टार्ट कर दिया। हमारे आईटीआई का एग्जाम था और 460 बच्चे आने थे। वो 5-10 बच्चे ही बच्चे होते हैं जो नकल के उसमें रहते हैं और डेली लगभग डेली परेशान कर रहे हैं कि नकल। और उसके बाद 10:30 जी बच्चों को 10 के बाद लिया गया बच्चों को, तो 1-2 बच्चों के पास नकल की पर्ची मिली है। जो क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए थे वो लेकर अंदर आते, इस वजह से उनको बाहर रोका गया। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।